नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान आपके साथ। इस वक्त मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। सुबह के 9 बजने वाले हैं और वक्त बड़ी बहस का। आज बात होगी ड्रैगन पर डिजिटल स्ट्राइक की। जी हां, मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए चीन के आर्थिक अतिक्रमण पर डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। सरकार ने टिकटॉक समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगा दी। मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा बताया। भारत चीन विवाद के बाद पीएम मोदी की चीन पर यह डिजिटल एयर स्ट्राइक ड्रैगन की कमर तोड़कर रख देगी। पूरे देश में चाइनीज सामान का बहिष्कार हो रहा है। भारत में टिकटॉक स्टार्स भी ऐप को बैन करने का स्वागत कर रहे हैं। वहीं लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर जारी भारी तनाव को दूर करने के लिए भारत और चीन की सेनाओं के बीच आज लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की एक और दौर की बातचीत होगी। पूर्वी लद्दाख के चुशूल में कोर कमांडर स्तर की बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने ड्रैगन पर करारा प्रहार किया है। इस बैठक से ठीक पहले भारत सरकार ने यह ऐतिहासिक कदम उठाते हुए टिकटॉक, यूसी ब्राउजर सहित चीन के ऐसे 59 ऐप हैं जिनको बैन कर दिया है। यानी आर्थिक मोर्चे पर चीन को तंगड़ी चोट लगेगी। लद्दाख में सीमा विवाद के बाद भारत और चीन के रिश्ते बिगड़े हैं और उसके बाद चीन के खिलाफ भारत की तरफ से इसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। आज इसी पर चर्चा होगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। पहले चालाक चीन को भारत का संदेश। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। फिर मनमाने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक। 59 चाइनीज मोबाइल एप्स पर पाबंदी। आर्थिक मोर्चे पर चीन को चोट। लद्दाख में चीन के साथ विवाद बढ़ने के बाद आर्थिक मोर्चे पर भारत ने सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए चीन के 59 मोबाइल एप्स को बैन कर दिया। इन एप्स के ब्लॉक होने का मतलब है कि भारत में टिकटॉक, कैम स्कैनर, शेयर इट और हेलो जैसे एप्स का इस्तेमाल यूजर्स नहीं कर पाएंगे। सरकार को ये शिकायत मिली थी कि इन एप्स का दुरुपयोग हो रहा है। ये यूजर्स का डेटा चुराकर भारत के बाहर सर्वर्स को बेच रहे हैं। ये ऐप भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा बन चुके थे। केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि भारत की सुरक्षा, रक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए भारत के लोगों के डेटा और गोपनीयता की रक्षा के लिए सरकार ने 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। जय हिंद। और जिन सैनिकों ने गलवान घाटी में अपने प्राण न्योछावर किए उनके प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम चीन के ऐप्स को देश से विदा कर दें। चाइना के ये ऐप भारतीयों के दिमाग को पंगु बना रहे थे। अगर कुछ करना है तो फिर अपना क्यों नहीं। ये सब चीजों को जड़ से निकालना बहुत जरूरी था और ये हमारे गवर्नमेंट के हाथ में था, तो हमारे गवर्नमेंट ने इसको बैन करके बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है एंड आई टोटली स्टैंड बाय इट। अब युद्ध जीतने के लिए मिसाइलों की जरूरत नहीं। किसी देश के लिए आर्थिक प्रतिबंध भी सबसे मारक हथियार है और भारत इसी डिजिटल स्ट्राइक के जरिए चीन को सबक सिखाने की राह पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिसाइलों से पहले मारक हथियार का इस्तेमाल कर लिया है हिंदुस्तान ने। 59 ऐप पर बैन लगा दिया। तमाम खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ, सबका परिचय, उसके बाद इस पर बड़ी बहस होगी। तरुण विज जी हैं, साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर अश्विनी शिवाजी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद कोहली अर्थशास्त्री हैं और दिल्ली से हमारे सहयोगी राकेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत डिबेट में शामिल होने के लिए। सबसे पहले अश्विनी जी, आपके पास आते हुए मैं समझना चाहूंगी, भारत सरकार ने आर्थिक अतिक्रमण पर सीधे तौर पर डिजिटल स्ट्राइक की है, 59 ऐप पर बैन लगा दिया है, यानी पूरी तौर पर कमर तोड़ने की कोशिश हो गई है, शुरुआत हो गई है, कैसे देख रहे हैं हिंदुस्तान के इस डिसीजन को आप? देखो, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन आया है। देर आया, दुरुस्त आया। एक बात समझनी पड़ेगी, जो चीन है एक ऐसा देश है जो साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का माहिर है, तो वो कहीं ना कहीं इन
ऐपों के जरिए आपकी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा खतरा है। और ये गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया बहुत अच्छा स्टेप लिया, क्योंकि इसको ये जरूरी है कि इसके कारण अगर हमारी कोई सिक्योरिटी लीक होती है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कोई फर्क पड़ता है, तो इनको हमें एकदम बैन कर देना चाहिए। इससे तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो हम मैसेज भेज रहे हैं चीन को कि हमारी मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, अगर आप तनाव बढ़ाएंगे लद्दाख के अंदर और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, तो हम वहीं पर नहीं रुकने वाले, हम आपको जो आपका ट्रेड है उसमें भी करेंगे, जिस तरीके से आप यहाँ पर इतने ऐप चला रहे हैं उनको भी बंद करेंगे, मेक इन इंडिया होगा। तो एक प्रकार से पूरा उसको चारों तरफ से चीन को अभी लपेटा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है। और ये जो बात है कि चीन को ये समझ आनी पड़ेगी कि जो इसने लद्दाख के अंदर किया है, अब वो जो है उसके अभी वो इससे बच नहीं पाएगा। और भारत एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के तहत जा रहा है कि डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इकोनॉमिकली जहां पर भी हम जिस चीज को बाइकॉट कर सकते हैं, मेक इन चाइना, उसको बाइकॉट करके एक प्रकार संदेश दिया जा रहा है, अगर हमसे पंगा लोगे, अगर हमसे उलझोगे, तो भारत ऐसे चुप नहीं रहने वाला, आपको बिल्कुल एक प्रकार से बर्बाद कर देगा। तो ये चीन को समझ आना चाहिए। और ये जो काम तो ये जो अभी किया है आज कोर कमांडर की मीटिंग से पहले, एक साफ सुथरा मैसेज भेजा चीन को कि भारत पुराना भारत नहीं है, चुप नहीं रहने वाला, मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी से जाएगा। शरद जी, एक बड़ी चोट दी है आर्थिक मोर्चे पर हिंदुस्तान ने इस पूरे डिसीजन के बाद। चीन को तो भारी नुकसान होगा, भारत को कितना बड़ा फायदा आप देख रहे हैं? देखिए, भारत दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। अमेरिका की सारी अर्थव्यवस्था अगर हम देखें तो वहां भारतीय उसको चलाते हैं। हमने देखा H1B वीजा लेके कितना चर्चा हुई। तो चीन की जो ये एप्स हैं, देखिए हमें समझना, दर्शकों को ली हिंदुस्तान के आज हम समझा देते हैं कि चीन की ये एप्स भारत में मुनाफा किस तरीके से कमा रही थी। हम एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए टिकटॉक। तो टिकटॉक की आज जो वैल्यूएशन है वो 100 बिलियन डॉलर्स की है, मतलब 7,60,000 करोड़ की रुपए में अगर हम बात करें उसकी वैल्यूएशन है। उसमें से करीब, और उसके उसके हम टोटल यूजर्स की बात करें तो करीब करीब 10-15% उसके यूजर्स भारत में है, 30% उसका रेवेन्यू भारत से आता है। तो इससे ये पता लगता है कि इन कंपनीज की जो वैल्यूएशन बनती है, ये स्टार्टअप्स कहलाते हैं ये एप्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बेस्ड है तो ये स्टार्टअप कहलाते हैं। तो स्टार्टअप में दो तरीके से मुनाफा होता है, पहला वैल्यूएशन से होता है, दूसरा जो आपको प्रॉफिट होता है उससे होता है। तो मुझे लग रहा है जैसे ही ये ऐप यहाँ बैन करी गई है, इन कंपनीज की जिनकी 59 की लंबी लिस्ट है, इनकी वैल्यूएशंस तुरंत नीचे आ जाएंगी, क्योंकि भारत इनके लिए बहुत बड़ी मार्केट था और बहुत रफ्तार से बढ़ती हुई मार्केट था। और मैं एक बात यहां पर बताना चाहूंगा कि बार बार बहुत दिन से आपके चैनल पे भी मैंने कई बार ये बोला कि जो चीन से भारत का व्यापार होता है वो व्यापार की गिनती करीब 86 बिलियन डॉलर की, अगर हम आंकड़ों पे जाएं, जिसमें से 70 बिलियन डॉलर का चीन से आयात किया जाता था। और मेरे से ये भी निरंतर पूछा जा रहा था कि इससे चीन को कितना नुकसान होगा। तो मैंने स्पष्ट तौर पे ये कहा था कि चीन की 2.5 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात में से 70 बिलियन डॉलर जो भारत को होता है बहुत ही छोटी फिगर है। परंतु ये जो ऐप पे बैन लगा है ये मुझे लग रहा है आर्थिक तौर पर बहुत बड़ी चीन को मार पड़ेगी, क्योंकि चीन की जितनी भी ये बड़ी कंपनीज है उसमें 2-3 मुख्य नाम है, जिसमें यूसी ब्राउजर है, टिकटॉक है, शेयरिंग है, बहुत सारी बहुत लंबी फेरिस्ट है। पर अब मुख्य भी अगर देखें तो इनकी कंपनी की वैल्यूएशंस पे मेरे हिसाब से करीब 10-20% का तुरंत फर्क पड़ जाएगा। तो मुझे लग रहा है उन कंपनीज में काम, जो ही वैल्यूएशन पे फर्क पड़ता है, उन कंपनीज में जो लोग काम काज कर रहे हैं चीन में या अन्य देशों में, उनकी नौकरियों पर खतरा बनाएगा, उनके मुनाफे पर, उनके रेवेन्यू पर तुरंत खतरा बनाएगा। मामूली सा असर होगा, जैसे हम उदाहरण के तौर पे ले टिकटॉक का भारत में ऑफिस है, तो इस ऑफिस में ऐसा माना जा रहा था कि वो टोटल हेड काउंट 10,000 तक पहुंचा देंगे। सर, अकेले अगर मैं टिकटॉक की बात करूं तो 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं टिकटॉक पर हिंदुस्तान से। यही आपकी बात कर रहा था कि और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि भारत में ऐसी एप्स की कमी नहीं है, यहाँ पर चिंगारी है, बोलो इंडिया है, बाकायदा भारत में वही सुविधाएं 19-20 लेवल पे अवेलेबल है। और अगर ये एप्स को भारत में बढ़ावा मिलेगा, भारतीय के बनाए हुए ऐप को, तो ये भी उससे बड़े स्तर पर पहुंच सकती है।
और साथ में हमें सिक्योरिटी का खतरा भी नहीं रहेगा, हमें साइबर सिक्योरिटी का खतरा नहीं रहेगा, हमें साइबर अटैक का खतरा। कल ही हमने देखा कि NHI की सारी जो सॉफ्टवेयर था, जो सर्वर था, वो क्रैश कर गया रैंसमवेयर की वजह से। तो ये साइबर अटैक आजकल जो आर्मी का अटैक होता है या जो आर्म फोर्सेस का अटैक होता है उतना ही ये घातक होता है, क्योंकि ये पूरे के पूरे देश को ठप कर सकता है आर्थिक तौर पर। आप काम का तरुण जी मेरे साथ हैं, तरुण जी देश की संप्रभुता, अखंडता, राष्ट्रीयता की सुरक्षा को लेकर ये ऐप बैन किया गया है, ये भी कहा है सरकार ने। क्या हम माने कि इन तमाम ऐप के जरिए चीन हिंदुस्तान की जासूसी कर रहा था और इन सभी जासूसों पर ब्रेक लगा दिया है सरकार ने आज? जी बिल्कुल, अगर आप देखिए उनकी जो एक ऐप है कैम स्कैनर, नाउ इतने सारे गवर्नमेंट के लोग कैम स्कैनर यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए, फ्री ऐप है। पर उसके गाइस में क्या हो रहा था कि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो आप कैम स्कैनर को यूज करके स्कैन कर रहे हैं वो उनके सर्वर पे जा रहे हैं जो चाइना में बेस्ड है। सेकेंड, अगर आप एग्जाम्पल टिकटॉक का देखिए, जब ये पूरा कोरोना वायरस शुरू हुआ था, शायद आपने भी रिपोर्ट पढ़ी होगी जो निकला था कि टिकटॉक पे बहुत सारी रेडिकल वीडियोज आ रही थी तबलीगी जमात के टाइम पे, जहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कर रहे थे कि जी। तरुण जी मैं आपके पास लौटूंगी। अश्विनी जी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, सवाल ये कि क्या हम ये माने कि लद्दाख सीमा पर जिस तरीके से विवाद हुआ दोनों सेनाओं के बीच, उसके बाद जो मतभेद, जो परिस्थितियां इस वक्त बन रही थी, उस बीच ये सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा फैसला है चीन के लिए, सबसे बड़ी चोट है हिंदुस्तान की तरफ से? बिल्कुल, मैंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, ये कार्रवाई पहले कर देनी चाहिए थी चीन को, उसको अपनी जगह दिखानी है कि चीन को ये बताना है कि जिस प्रकार से भारत के अंदर इतनी बड़ी मार्केट है और आप इतना पैसा कमा रहे हो और हमारे लिए एक प्रकार की सिक्योरिटी रिस्क है, तो आप चोरी और सीना चोरी, आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर टेंशन बढ़ाते हो और भारत से ही कमा रहे हो। ये जो काम हुआ, बड़ी पहल हुई है, बड़ी अच्छा हुआ कि ये जो बॉर्डर में डिस्प्यूट हुआ है, क्योंकि हमारी आंखें खुल गई। जैसे कोहली साहब बता रहे थे कि हमारे पास ऐप की कमी नहीं है, भारत के जो ऐप है उनको बढ़ावा दो, हम उसको इस्तेमाल करें, हम चीन को क्यों इस्तेमाल करके पैसा भेज रहे हैं? और ऊपर से सिक्योरिटी रिस्क है, जैसे बताया जा रहा था कि चीन साइबर वॉरफेयर का मान एक प्रकार से लीडिंग प्लेयर है वर्ल्ड में। कल लड़ाई हो, आजकल मॉडर्न लड़ाई का एक ऐसा तरीका होगा, लड़ाई लड़ने से पहले ही दुश्मन को हराया जा सकता है, आप उसके सारे सिस्टम को जैम कर सकते हो। जैसे ये बता रहे थे कि एक प्रकार से आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी का पावर का ग्रिड को आप जैम कर दो, आपका इलेक्ट्रॉनिक जैम कर दो, तो आप बिना गोली चलाए दुश्मन को बर्बाद कर सकते हो। तो हमारी को आंखें खुलनी चाहिए, ये बहुत अच्छा जो किया है कि दो डबल चोट मारी है, एक तो ये दिखाया कि भाई हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, सेकंड थिंग जो उसको इकोनॉमिकली जो इम्पैक्ट पड़ेगा, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे चीन तिलमिलाएगा। और दूसरी बात यह है, डिप्लोमेटिकली जिस तरीके से हम चीन को अब आइसोलेट कर रहे हैं, चीन को ये समझ तो आगे होगी, भारत से उलझना बहुत उसको महंगा पड़ेगा, भारत ऐसे चुप रहने वाला नहीं है। तो बहुत अच्छी पहल है, और चीन को कमजोर ना समझें साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साई ऑप्स के लिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का माना हुआ है कि ये जो है आपको लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो भारत की सरकार ने ये किया बहुत अच्छा किया, और इससे काफी चोट लगेगी चीन को। बिल्कुल शरद जी, एक चीज में समझना चाहूंगी आपसे, देखिए अब चाहे हम देश दुनिया की बात करें, 5G की ओर हम बढ़ रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि 5G के आने के बाद कम्युनिकेशन का जो लेवल होगा, जो सेक्टर होगा, उसमें बड़ा बूम आएगा। ऐसे में चीन के सारे ऐप पर बैन लगा देना, धीरे धीरे चीन के सारे सामानों का बहिष्कार कर देना, इसको अगर हम भारतीय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए देखें तो कितना बड़ा फायदा आने वाले दिनों में? चीन को तो हम सबक सिखा ही रहे हैं, लेकिन अपनी इंडस्ट्री को हम कितना मजबूत कर रहे हैं इस फैसले के बाद? देखिए, जो आत्मनिर्भर अभियान की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी वो चीन को दिमाग में रख के ही की थी। अगर हम चीन पर निर्भरता देखें अपने आर्थिक जगत की, तो आपको मैं छोटा सा अगर उदाहरण दूं, तो केवल जो दवाइयां यहाँ बनती हैं उसमें API इस्तेमाल होते हैं, जिसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, जिससे जेनेरिक ड्रग्स बनते हैं, जो भारत बहुत बड़ी तादाद में निर्यात भी करता है। उसका करीब करीब 90% इंग्रेडिएंट्स चीन से आते हैं, बाकी जो ड्रग और ड्रग इंटरमीडिएट्स है उसके करीब 2/3 चीन से आते हैं। तो बार बार ये बात की जा रही थी
कि अगर हम चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं तो कहीं हम ऐसा तो नहीं अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ही नुकसान पहुंचा लेंगे, क्योंकि आज हालात ये हो गए हैं कि चीन से जो वो एपीआई नहीं आ रहे हैं उसकी वजह से आज ही मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि भारत से होने वाला जो जेनरिक ड्रग्स का निर्यात है वो निर्यात रुक सकता है क्योंकि हमने एपीआई के आने पर रोक लगा दी है या उसको नियंत्रित कर दिया है। जी। तो मैं समझता हूँ जब एक तरफ जहाँ सामान का आदान प्रदान हम इमीडिएट नहीं रोक सकते हैं, परंतु ये ऐप धीरे धीरे कर सकते हैं, बिल्कुल हमारी इतनी निर्भरता नहीं है। तरुण जी भी मेरे साथ जुड़े हैं, राकेश कुमार हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, दिल्ली से कल का लिया गया बड़ा फैसला जिससे चीन की कमर टूट गई है, चीन घबरा गया है, परेशान हो गया है, डर गया है और अब बौखला रहा है, इस पूरे डिसीजन के बाद किस तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों की आप देख रहे हैं? चूंकि जाहिर है कि लोग सरकार के डिसीजन को सराह रहे हैं, जो टिकटॉक स्टार्स थे वो भी इस बात की डिमांड कर रहे थे कि सरकार ऐसा कोई डिसीजन ले और सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी लक्ष्मी, बिल्कुल आपने सही कहा, ये उसी वक्त तय हो गया था जब पूर्वी लद्दाख में तनाव चीन ने पैदा किया। हमने जीत भी पाई, उनके सैनिक भी मारे, हमारे सैनिक शहीद हुए, लगातार ये मांग उठ रही थी। लेकिन एक बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं लक्ष्मी आपको बताना चाहूंगा, जो यूसी ब्राउजर ऐप है उसके खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में केस भी चल रहा है और आरोप ये लगाया गया, जो पेटिशनर है, आरोप ये लगाया गया है कि यहाँ से सूचनाएं जो है वो चीन भेजी जा रही है। सरकार हमेशा ये लगातार ये लक्ष्मी मांग उठती रही है कि जितने भी चीनी ऐप्स हैं उनको बंद किया जाए, बैन किया जाए, और सरकार ने आखिरकार ये फैसला लिया। जो आईटी मंत्रालय है उसका साफ तौर पे कहना है कि देखिए हमारे पास कई ऐसी शिकायतें आई कि इन पे बैन किया जाए, जो भारत की सूचनाएं हैं, जो लोगों के डेटा हैं वो चीन भेजे जा रहे हैं। देखिए हमारे साथ युवा हैं, दिल्ली के युवा हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके पास कुछ लोग मौजूद हैं, जरा जल्दी से जरा इनके कमेंट लीजिए, सरकार के डिसीजन को ये कैसे देख रहे हैं? युवा है आपके साथ कुछ, जरा जल्दी से इनके कमेंट लीजिए। जी 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 बिल्कुल, सरकार ने चीनी ऐप बैन कर दिया है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या अच्छा किया या सरकार ने गलत किया है, क्या मानेंगे? नहीं सर, बिल्कुल सही किया है, हमें समर्थन करना चाहिए इस चीज का, बिल्कुल बैन करके सही किया है। आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार ने अच्छा किया है? मैं क्या हूँ जी, आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा कर रहा है चीन, है तो नाते तोड़ देगा। लेकिन आपको जानकारी है कि भारत में करीब 61 करोड़ टिकटॉक यूजर है, पता है आपको? पता है, टिकटॉक यूज करते हैं आप? करता था, मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन अब नहीं करेंगे, पहले कर दिया था। तो सरकार ने जो किया है उसको किस रूप में लेते हैं? बहुत अच्छा कर रहा है जी। और कुछ युवा है, आपका क्या कहना, सरकार ने जो ऐप बैन किया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा किया है सरकार चीनी सामान। बिल्कुल राकेश, देखिए युवा वर्ग कह रहा है, ये हिंदुस्तान का युवा कह रहा है कि बहुत अच्छा किया, ये वही युवा है जो कल तक टिकटॉक को यूज कर रहे थे, कुछ लोग स्टार्स बन चुके थे, लेकिन आज वो भी इसका स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि बात जब अपने राष्ट्रहित की आती है, बात जब शहीदों की आती है, सैनिकों की आती है, तो हर हिंदुस्तानी के मन में एक यही सवाल उठता है कि जो भी आंख उठाकर देखे उसको करारा जवाब मिलना चाहिए। तरुण जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, तरुण जी एक बड़ा सवाल, देखिए देश की संप्रभुता, अखंडता, निजता को कहीं ना कहीं इससे खतरा था। 20 करोड़ यूजर है टिकटॉक के, अकेले टिकटॉक की बात कर रही हूं हिंदुस्तान में, निश्चित तौर पर एक बड़ा खतरा था। सरकार के डिसीजन को हम कैसे देखें और दूरगामी परिणाम इसके आप क्या देख रहे हैं? देखिए, एक तो जो सरकार ने डिसीजन लिया है बोथ इकोनॉमिकली एंड सिक्योरिटी, वो उन्होंने दोनों को मद्देनजर रखकर ये डिसीजन ठीक लिया है। टिकटॉक का जैसे मैं कह रहा था आपको कि उस पर इतनी सारी रेडिकल वीडियोस थी जो प्रमोट हो रही थी, अब इसी टिकटॉक को अगर आप चाइना में देखिए, जो चाइना का वर्जन है टिकटॉक का, वहां पे आप चाइना के खिलाफ एक भी वीडियो डालेंगे तो वो आपका पूरा यूजर अकाउंट ही डिलीट कर देगा, उसके ऊपर आपका केस जो होगा वो अलग, बट आपकी वो वीडियो कभी पॉपुलर हो ही नहीं पाएगी। और यहाँ पर इंडिया के अंदर दे हैव अ डिफरेंट पॉलिसी, हमारे यहाँ पे हमारी ही कंट्री को बदनाम करते हुए मल्टीपल वीडियोस चल रहे हैं जिसका हम कुछ नहीं कर पा रहे। यूसी ब्राउजर की बात चल रही है, यूसी ब्राउजर पे चार साल पहले
हम लोगों ने एक एनालिसिस किया था कि यूसी ब्राउजर पे आप जो भी टाइप करते हैं वो चाइना पर जा रहा है, इसका मतलब वो आपकी पूरी प्रोफाइलिंग कर रहा है, उसको पता है कि आप क्या क्या चीजें पसंद करते हैं, क्या क्या चीजें आप नापसंद करते हैं। सो अगर आप उसको इस तरीके से देखिए तो चाइना हमारी कंट्री के हर एक इंसान को प्रोफाइल करने की कोशिश कर रहा है, उसके इंटरेस्ट जानने के लिए, उसकी वीकनेस जानने के लिए। अगर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है तो एक आपका डेटा, हमारा डेटा वहां जाना बंद हो जाएगा। बहुत सारे यूजर्स कह रहे हैं कि हमारे फोन तो चाइनीज होते हैं, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन फर्क ये भी पड़ेगा, जैसे अभी एक पैनलिस्ट बता रहे थे, इन कंपनीज की वैल्यूएशन पे एक बहुत तगड़ा हिट आया है। एंड अभी फ्यूचर में जो हमारी इंडियन एप्स है उनके सामने एक पूरा पूरा एक कंज्यूमर बेस खड़ा हुआ है जिसके वो अपनी वैल्यूएशन बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं इस पर आगे चर्चा करूंगी कि भारत में निर्मित जो ऐप हैं उनको अब आगे आने का मौका मिलेगा, आप कहीं ना कहीं इस दिशा में कहते हुए नजर आए। छोटे से ब्रेक का वक्त है, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, चर्चा का दौर जारी रहेगा, क्योंकि बड़ा फैसला है सरकार का, चीन की कमर तोड़कर रख दी है, यानी मिसाइल का तो बाद में इस्तेमाल होगा, जो मारक डिसीजन इस वक्त सरकार ने लिया है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रातोंरात चीन पर पड़ा। चीन पर मोदी की डिजिटल स्ट्राइक के बाद चीन में हड़कंप मचा हुआ है, ये बड़ी खबर इस वक्त भारत सरकार की ओर से। 59 चाइनीज ऐप के बैन पर चीन में हड़कंप, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के फैसले का चीन पर एक बड़ा असर हुआ है। चीन के सोशल मीडिया पर भारत की ओर से लगाया गया बैन टॉप ट्रेंड कर रहा है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा दें। सबसे बड़ा असर साफ नजर आ रहा है, हैशटैग इंडिया बैन 59 चाइनीज ऐप नाम से बना हैशटैग, ये कल से ट्रेंड कर रहा है। चीन के लोग सोशल मीडिया पर भारत के लिए गए फैसले को दिखा रहे हैं, इससे साफ परेशान नजर आ रहे हैं। और आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं, चीन में उन 6 बड़े मोबाइल ऐप की तस्वीरें जो भारत के यूजर्स की जासूसी कर रहे थे और जिनका डेटा चोरी को रोकने का मोदी सरकार ने फैसला किया है। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आप देख रहे हैं। चीनी तमाशा भूल जाओ, यानी टिकटॉक खत्म हो गया, वीचैट भी खत्म कर दी गई है, यूसी न्यूज इसकी खबर आप नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आपके लिए जरूरी भी नहीं है, और ये आपका डेटा चोरी कर रहा था। शेयर इट को भी बंद कर दिया गया है, क्लीन मास्टर को भी बंद कर दिया गया है, और कैम सेंसर का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है, आपको अपने दस्तावेज नहीं दिखाने हैं। तो चीन के खिलाफ मोदी सरकार के सख्त कदम की देश में हर तरफ तारीफ हो रही है, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर नेता इसकी तारीफ कर रहे हैं। क्या है इस फैसले पर देश का माहौल, देखिए रिपोर्ट। चीन पर हिंदुस्तान की डिजिटल स्ट्राइक, टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर बैन, सरकार ने देश की सुरक्षा को खतरा बताते हुए लगाया प्रतिबंध। डेटा की सुरक्षा और प्राइवेसी के खतरे की वजह से एक्शन, एक फैसले ने चीन की करोड़ों चाल को एक झटके में नाकाम कर दिया। करोड़ों चाल इसलिए क्योंकि चीन के जिन 59 ऐप्स को हिंदुस्तान निकाला दिया गया है उसके कुल भारतीय यूजर्स की तादाद करोड़ों में थी और उनके डेटा की बड़े पैमाने पर चोरी का खतरा बढ़ गया था। सरकार ने साफ इशारा दिया कि अब चीन के खिलाफ बड़े एक्शन का वक्त आ गया है। इस फैसले से दो टूक संदेश दिया गया कि एक तरफ चीन हिंदुस्तान के जांबाज जवानों पर हमला करे और दूसरी तरफ चीनी कंपनियां भारत से करोड़ों कमाएं, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकता, वो भी तब जबकि चीन की तरफ से डेटा चोरी का खतरा कई गुना बढ़ गया है। केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया, भारत की सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता और देश की जनता के डेटा के साथ ही निजता की सुरक्षा के लिए सरकार ने 59 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। पिछले दिनों सुरक्षा एजेंसियों ने केंद्र सरकार को चाइनीज ऐप की लिस्ट भेजी थी, इसमें शामिल ऐप को बैन करने की अपील भी की गई थी। यही नहीं, लोगों को भी कई चीनी ऐप का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई थी। इसके बाद सरकार ने चीनी ऐप्स वाले खतरे पर सीधे डिजिटल स्ट्राइक कर डाली। सरकार ने इन ऐप्स से देश को फौरी खतरा बताया, देश में शायद ही कोई मोबाइल यूजर हो जो इन 59 ऐप्स में से किसी न किसी का इस्तेमाल न करता हो, इसीलिए शक था
कि चीनी एप्स भारत में चीन की तरफ से जासूसी का हथियार बन सकते थे। इसीलिए सरकार ने कार्रवाई के लिए अचानक खतरा बढ़ने को वजह बताया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा कि ये जन भावनाओं का सम्मान है। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ये फैसला और पहले लेना चाहिए था। इसका असर और इसका प्रभाव अगर सही मायने में वो गलत है तो ये बातें मुझे लगता है सोचने में केंद्र सरकार ने विलंब कर दिया है और ये ऐप जितना अपना संक्रमण फैलाना था लगभग उन्होंने अपना फैला दिया है। अब आगे देखना है क्या होता है। इन 59 ऐप्स में से कई ऐसे थे जो यूजर्स के बिना जरूरत के कैमरे और लोकेशन का एक्सेस मांगते थे। इसके जरिए किसी भी यूजर को ट्रैक किया जा सकता था, उनसे जुड़ी कई गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती थी। इन ऐप्स की पहुंच बड़े शहरों से लेकर गांव-गांव तक थी। ज्यादातर यूजर ऐप को इंस्टॉल करते वक्त उसे अपने लोकेशन और कैमरे के साथ ही ऑडियो तक रिकॉर्ड करने की परमिशन दे देते थे। लेकिन अब चीन की एक बड़ी साजिश को पूरी तरह नाकाम कर दिया गया है। इसे एक शुरुआत की तरह देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में चीन पर और बड़ी स्ट्राइक मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो शुरुआत तो हिंदुस्तान ने की है, लेकिन अब धीरे धीरे बाकी देश भी चाइना को इस तरीके से उसका सबक सिखाएंगे, यानी आर्थिक मोर्चे पर चाइना की कमर टूटना लगभग तय मानी जा रही है। तमाम खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। तरुण विजी साइबर एक्सपर्ट हैं, शरद कोहली जी अर्थशास्त्री हैं, अश्विनी शिवाजी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश कुमार हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हैं। राकेश, छोटा सा कमेंट आपका चाहूंगी। आप देख रहे हैं इस वक्त जो बड़ी अपडेट ये कि चीन में बौखलाहट है, घबराहट है, ट्रेंड कर रहा है वहां पर ये लोगों के द्वारा कि देखिए अब भारत की तरफ से 59 ऐप पर बैन लगा दिया गया है, यानी बुरी तरीके से हड़कंप मचा है चीन में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए ये ट्रेंड कर रहा है चीन में और चीन की हालत निश्चित तौर पे पतली होने वाली है। जिस देश के 61 करोड़ लोग टिकटॉक यूज कर रहे हैं, आप सोच सकती हैं लक्ष्मी कि क्या आलम होगा चीन में। ये हैशटैग ट्रेंड भी कर रहा है और जहां तक चाइना की बात है तो वहां पे लोग परेशान दिख रहे हैं और यहां तक कि जो एप्पल है और गूगल उसने टिकटॉक को बैन कर दिया है, अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है। जो सबसे बड़ी खबर है लक्ष्मी वो ये है कि गूगल और एप्पल ने अपने प्ले स्टोर से टिकटॉक को हटा दिया है। बिल्कुल, और डिमांड भी की जा रही थी जो है राकेश, देखिए यही डिमांड की जा रही थी। जो दर्शक थे, जो लोग थे इंडिया के, वो ये डिमांड कर रहे थे क्योंकि टिकटॉक को पहले भी बैन किया गया था लेकिन चूंकि गूगल से और बाकी ऐप से इसको हटाया नहीं गया था तो लगातार लोग इसका इस्तेमाल कर पा रहे थे, लेकिन इस बार ये मौका भी नहीं मिलेगा। चार तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार हड़कंप मचा हुआ है चीन में और अब ये ट्रेंड कर रहा है इंडिया बैन 59 ऐप्स फॉर चाइना, यानी कि अब चाइना के 59 ऐप बंद हो गए हैं। अब चाइना की कमर टूट चुकी है, करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा चाइना को। सबसे पहले शरद जी आपके पास आते हुए, कैसे झेलेगा ड्रैगन करोड़ों डॉलर का नुकसान, यानी कि तैयारी नहीं थी उसकी, उसको अंदाजा भी नहीं था कि भारत बिना मिसाइल के भी चीन को सबक सिखाने में सबसे पहला कदम उठा सकता है और वो होगा आर्थिक मोर्चे पर उसको धराशाही कर देना। जी हाँ, देखिए चीन ने जब ये ऐप निकाले थे तो ये किसी ना किसी पहले हुए ऐप के कंपटीशन में निकाले थे। उदाहरण के तौर पर टिकटॉक निकाला गया था, यूट्यूब जो कि गूगल अमेरिका से चलता है उसके कंपटीशन में ये निकाला गया था। इसी प्रकार चीन में अमेजॉन चलता है, चाइना ने अलीबाबा किया। तो चीन की निरंतर ये कोशिश थी कि हम अमेरिका यूरोप से जो निकल के आ रहे हैं हम अपने आप में एक बड़ी शक्ति बन जाए और हम इन विकसित देशों पर निर्भर ना रहे। तो मुझे लग रहा है चीन की उन आशाओं पे बहुत बड़ा ये ठेस पहुंचा है, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि चीन का ये सपना था कि वो दुनिया की आर्थिक सुपर पावर बन जाए इन एप्स के। आज अमेरिका दुनिया की सुपर पावर क्यों है? बाकी सामान जो अमेरिका बेचता है वो तो है ही है, पर आज फेसबुक, यूट्यूब, गूगल ये ऐसी चीजें हैं जिसने चीन को अपने आप में एक बड़ी शक्ति बना रखा है टेक्नोलॉजी के मामले में। चीन उसको कंपटीशन देने के चक्कर में था और चीन अपना वर्चस्व जमाना चाहता था। मुझे लग रहा है आज उसके इस सपने को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है क्योंकि भारत का 135 करोड़ की आबादी जिसमें की लगभग लगभग मोबाइल फोन की रीच
लगभग लगभग 120 करोड़ की है। अगर हम खाली स्मार्टफोन्स की रीच ही ले, वो भी बहुत बड़ी तादाद में, मुझे लग रहा है चीन की एक बहुत बड़ी मार्केट इस टेक्नोलॉजी ऐप की वजह से आज समाप्त हो गई। लक्ष्मी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अगला कदम भारत सरकार का क्या होना चाहिए, मैं इस पर जरूर प्रकाश डालना चाहूंगा। बिल्कुल, अगला कदम लक्ष्मी होना चाहिए कि भारत के भारत में चीन का जो भारत में स्टार्टअप्स है, उसमें करीब करीब 40% हिस्सेदारी चीन से हुए निवेश की है। और उसका मैं अगर गणित बताऊं तो $26 बिलियन है। ये 2014 में कुल $1.6 बिलियन था, आज ये $26 बिलियन पहुंच चुका है। मुझे लग रहा है भारत सरकार को अगला कदम उठाना चाहिए कि चीन ने जो इतनी बड़ी मात्रा में यह निवेश किया हुआ है, उस निवेश से छुटकारा पाए, या तो इसे वापस कर दिया जाए। बिल्कुल, भारतीय जी आप देख भी रहे होंगे 15 जून के बाद तमाम राज्य सरकारें, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे वो बिहार की सरकार हो, तमाम ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने करोड़ों की डील को खत्म किया है और चाइना को बड़ा झटका भी दिया है। अश्विनी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए ये डिसीजन कहीं ना कहीं ये बता रहा है साफ तौर पर कि चीन के सामान के बहिष्कार के साथ साथ वास्तव में राष्ट्रीय वास्तविकता है इस आंदोलन की। और दूसरा, चीनी सामान बहिष्कार का जो आंदोलन चल रहा था उसको एक और मजबूत करेगा ये डिसीजन सरकार का। सबसे बड़ा फायदा आगा कि जो अपनी मार्केट है उसके अंदर भी जो अभी काम होगा वो अभी चल पड़ेगा, और अब इसका ऑल्टरनेटिव भारत में आ जाएगा जो है उसको पनपने नहीं दे रहे थे। ये जो कंपटीशन इतना यूज था और जो लोग यूज कर रहे थे उनको नहीं पता था ये चीन से भारत से है, क्योंकि अवेलेबल था यूज कर रहे हैं। अब जब भारत का ही ऐप होंगे तो भारत के ही ऐप को इस्तेमाल करेगा, उसमें हमको फायदा होगा। सेकंड बात ये है, जो बातचीत कर रहे हैं कि भाई निर्यात का, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, ये तो मैं समझता हूं, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे फार्मास्यूटिकल है, आप बिल्कुल सही बताया कि जो हम 70% पूरे वर्ल्ड में फार्मास्यूटिकल बढ़ाते हैं मेडिसिन, मगर उसका रॉ मटेरियल ज्यादा से ज्यादा चीन में आता है। तो ये आने वाले टाइम में हमें बदलना पड़ेगा, हमें रॉ मटेरियल इतना एक देश से नहीं लेना चाहिए, इसको हमें एक प्रकार से 2-3 देश से और भारत में बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। चीन पे ओवर डिपेंडेंस को कम करें। ये जो इंपोर्ट है, जो ट्रेड डेफिसिट है ऑलमोस्ट $60 बिलियन का, उसको कम करें। देखो चीन पे एक और दूसरी बात है, भारत के अगर रिलेशन ठीक भी हो जाते हैं तो ये जो 59 ऐप पे वो लगाइए बैन, इसको नहीं निकालना चाहिए। ये एक बिगिनिंग है और इसको आगे बढ़ाना है, इसको पीछे नहीं लेना। तरुण जी देखिए, एक तरफ चीनी ऐप पर बैन हो रहा है, दूसरी ओर चीनी सामान का बहिष्कार किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इन तमाम फैसलों के बाद अब जो भारत में निर्मित कंपनियां हैं या फिर जो ऐप हैं उनको एक बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है विस्तार के लिए हिंदुस्तान में, और उसके लिए आने वाले परिणाम आप क्या देख रहे हैं, रिजल्ट आप किस नजरिए से देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, आने वाले टाइम में जो मुझे लगता है जो नेक्स्ट स्टेप इंडियन गवर्नमेंट लेगी वो करेगी कि हमारा टेलीकॉम सेक्टर एंड हमारा पावर सेक्टर में जो चाइनीज कंपोनेंट लगे हुए हैं, सर्वर हो गए, राउटर्स हो गए, स्विचेस हो गए, उनको हटाने का निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि अभी हमने एक स्टेप लिया है कि अपने जो कंज्यूमर है उनका डेटा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रोटेक्ट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमारा, अगर आप देखिए, हमारा BSNL नॉर्थ ईस्ट के अंदर सारा का सारा बायोमैक्स का जो सेटअप है वो चाइना का हुआवे ने लगाया हुआ है। एंड अगर आप उनका कॉस्ट डिफरेंस देखेंगे उस वक्त सिस्को के अगेंस्ट टेंडर के अंदर, इट वाज ऑलमोस्ट 100 करोड़। सो दैट बहुत ही क्लियर है कि चाइना ने जस्ट टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट एक लोअर वैल्यू के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया। क्यों? क्योंकि उससे उनको नॉर्थ ईस्ट का पूरा हमारा BSNL इंफ्रा पे उनका कंट्रोल आ गया, बायोमैक्स कंट्रोल आ गया है। तो नेक्स्ट स्टेप जो भारत सरकार लेगी वो ये लेगी कि हमारे इंटरनल राउटर्स बनने चाहिए, इंटरनल स्विचेस बनने चाहिए। IIT पवई ने बहुत अच्छा काम किया है इस पे, और भी कंपनीज राउटर्स पे काम कर रही है, बैंगलोर बेस्ड कंपनीज। सो द नेक्स्ट स्टेप दैट इंडियन गवर्नमेंट विल टेक, अपने इंडिजीनियस हार्डवेयर राउटर्स को वहां पे डिप्लॉय करने का। एंड देखिए, लॉट ऑफ बहुत सारे लोगों ने इस पे क्वेश्चन किया है सोशल मीडिया पे कि हमारे क्वालिटी अभी उस लेवल की नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 1979-80 में चाइना की क्वालिटी भी उस लेवल की नहीं थी। चाइना का जो सामान आता था वो सब दो में से एक चीज खराब ही निकलती थी। तो धीरे धीरे जब इन कंपनीज को प्रमोशन मिलेगा, इन कंपनीज को रेवेन्यू मिलेगा, तो दे विल कीप इंप्रूविंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, दे विल कीप लर्निंग। बट दिस इज अ ह्यूज स्टेप, क्योंकि अब आपकी
एप्लीकेशन लाइक मित्रो एंड चिंगारी दे आर नॉट गोइंग टू फेस कॉम्पिटिशन फ्रॉम समथिंग लाइक टिकटॉक विच हैज अ वैल्यूएशन ऑफ $100 बिलियन. तो एक मेजर स्टेप इंडिया ने ले लिया है अपनी कंट्री को प्रमोट करने के लिए. चलिए सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. साफ तौर पर ये वक्त आ गया है लद्दाख में शहीद हुए 20 जवानों को हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं, और उसके लिए हमें एक नारा लगाना होगा हिंदी चीनी बाय बाय का, और उस पर अमल करना होगा.